हम लोग श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी सुन रहे थे, तो आइए हम आगे सुनते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने करीबन 47 ऑडियो सुने, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुन लीजिएगा। पीर पहाड़ और सीता कुंड। यह स्वप्न देखने के बाद से मंझले दादा के साथ अक्सर कष्ट हारणी के घाट पर जाता हूं। शाम हो जाने पर घाट के उस तरफ गंगा पार पहाड़ के ऊपर एक चंचल आग को मैं रोज देखा करता हूं। आग स्थिर नहीं है, जान पड़ता है मानो 8-10 हाथ जगह में वो फैली हुई है। इस विषय में शहर के बाबुओं से पूछने पर मालूम हुआ कि यह आग अधिक रात बीतने पर खासकर अंधेरे पाख में साफ साफ दिख पड़ती है। मुद्दत से इसे लोग देखते आ रहे हैं, कोई नहीं जानता कि यह कहां पर और कैसी आग है। अचंभे की बात तो यह है कि स्वप्न में ब्रह्मचारी जी ने उस पहाड़ के जिस स्थान में फटी चट्टान दिखलाई थी वहीं पर यह आग मुझे दिख पड़ती है। पीर पहाड़ मुंगेर से थोड़ा सा दूरी पर है। पीर पहाड़ से सीता कुंड बहुत दूर नहीं है। हम लोग वहां गए, सुना कि सीता जी ने इस कुंड में श्राद्ध तर्पण आदि किया था, इसी से कुंड का नाम सीता कुंड हो गया है। यह कुंड कोई 10-12 फुट लंबा चौड़ा होगा, गहराई का मुझे पता नहीं। स्थान स्थान पर जल के नीचे पत्थर दिख पड़ते हैं, हमेशा पानी खौलता रहता है, भला उसे हाथ से कौन छू सकता है। अतिरिक्त जल के निकास के लिए एक पक्का नाला है, अगर कोई अकस्मात कुंड में गिर पड़े तो फिर वह जिंदा नहीं निकल सकता, इसी से वह कुंड चारों ओर बेड़े से घिरा हुआ है। सीता कुंड से कुछ हाथों की दूरी पर राम कुंड और भरत कुंड है। इन कुंडों का जल ठंडा है। सीता कुंड पर पहुंचते ही मुझे अपने पितरों की अकस्मात सुधि आ गई, मानो वे मेरे हाथ से इस कुंड का जल पाने की आशा से यहां आए हुए हैं। इस तरह के भाव ने मुझे बेचैन कर दिया, मालूम नहीं यह स्थान का प्रभाव है या कुछ और। श्राद्ध तर्पण आदि को मैं सदा से कुसंस्कार मानता आया हूं, किंतु मैं स्थिर न रह सका। राम कुंड और भरत कुंड में नहा धोकर मैंने कुछ दूर पर जाकर सीता कुंड के जल में जाकर स्नान किया। नहाने से बहुत ही आराम मिला। पितरों का स्मरण करके 2-4 अंजलि जल देते ही मैं रो पड़ा। अपने भीतर एक अपूर्व शक्ति का मुझे अनुभव होने लगा। युग युगांत से सरल विश्वासी निष्ठावान असंख्य लोगों के जिस भाव के प्रभाव से यहाँ का निचला ऊपर का और चारों ओर का स्थान व्याप्त हो रहा है, आज शायद उसी भाव ने मेरे चित्त को ऐसा अभिभूत और मुग्ध कर दिया है। यहाँ पर गुरुदेव की कृपा की खास निशानी भी मिली। स्वप्न की सफलता, मुंगेर आना सार्थक, साधन प्राप्ति के लिए मंझले दादा की प्रार्थना और गोस्वामी जी की स्वीकृति। मुंगेर में मेरे दिन बड़े आराम से बीत रहे हैं। आज मंझले दादा ने मुझसे बातचीत करते करते कहा, जी को शांति किसी तरह नहीं मिल रही है, क्या करने से जी को शांति मिलती है? मैंने तुरंत कहा, गोस्वामी जी का आश्रय लेने से शांति मिलती है। वे जो साधन देते हैं उसको ग्रहण करके रीति से करते रहने पर भीतर कभी अशांति नहीं आती। मंझले दादा ने कहा, वे क्या मेरे जैसे आदमी को दीक्षा देंगे? मैंने कहा, आप उन्हें पत्र से पूछ लीजिए, वे अवश्य साधन देने को तैयार हो जाएंगे। मेरी बात मानकर मंझले दादा ने गोस्वामी जी को पत्र लिख भेजा। उत्तर आने में देर नहीं लगी। उन्होंने लिखा है, आपका पत्र मिला, आप लोगों के भले के लिए प्रार्थना किया करता हूँ, आपकी इच्छा पूरी होगी। जब तक भेंट ना हो बीच बीच में कुशल समाचार देते रहिए, कुलदा से मेरा आशीर्वाद कहिए। शुभाकांक्षी श्री विजय कृष्ण गोस्वामी। गोस्वामी जी का यह आश्वासन पाकर कि उनके साथ भेंट होते ही मंझले दादा की आशा पूरी हो जाएगी, मुझे अपार आनंद हुआ। पहले मैंने जो सपना देखा था उसे इस प्रकार अक्षर अक्षर सत्य होते देखकर मुझे बड़ा अचरज हुआ। इतने दिनों के बाद मेरी समझ में आया कि गोस्वामी जी ने मुझे फैजाबाद जाने की चेष्टा करने से रोककर मुंगेर क्यों भेजा है।
अब तो देखता हूं कि मेरी दीक्षा लेने के बाद से ही जीवन की विशेष विशेष घटनाओं की ओट में रहकर गुरुदेव मानो इच्छा शक्ति द्वारा मेरे सब कामों की खासी व्यवस्था कर रहे हैं। घटनाओं के वास्तविक कारण का निर्णय करने में असमर्थ होने से मैं साफ साफ नहीं समझ पाता कि आश्चर्य के कारण मुझमें यह संस्कार उत्पन्न हो रहा है अथवा सचमुच इन सब कामों के भीतर गुरुदेव का हाथ है, किंतु चित्त का खिंचाव गुरुदेव की ओर अपने आप है। मुंगेर के जलवायु के कारण मैं बहुत कुछ अच्छा हो गया। प्रतिदिन सवेरे गंगा स्नान करता हूँ, दिन प्रतिदिन साधन भजन करने की ओर मानो उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। रात के पिछले पहर उठकर प्राणायाम कुंभक करता हूँ, बहुत सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर आसन पर बैठ जाता हूँ, 7:30 बजे तक त्राटक करता हूँ, फिर मंझले दादा के साथ चाय पीता हूँ, इसके बाद 9:30 बजे तक फिर नाम का जप किया करता हूँ, 10:30 के भीतर हम लोगों का स्नान भोजन सब हो जाता है, इसके बाद आसन पर 4:30 बजे तक बैठा रहता हूँ। स्कूल की छुट्टी होने पर मंझले दादा के लौट आने पर उनके साथ बातचीत करते करते शाम हो जाती है, इसके बाद 9:30 बजे रात तक कोई खास काम नहीं होता। भोजन कर चुकने पर अच्छी नींद ना आने तक साधन किया करता हूँ, बस यही मेरी दिनचर्या है। दूसरा स्वप्न, फूल के पौधे की अस्वाभाविक मृत्यु। याद नहीं पड़ता कि इन 2 वर्षों के बीच मैंने किसी वृक्ष का डाल, पत्ता, फूल या फल कुछ भी तोड़ा हो। जब से मैंने गोस्वामी जी से सुना है कि सजीव वृक्षों में हमारी ही तरह अनुभव शक्ति है, तब से इस विषय में मेरा भी एक दृढ़ संस्कार हो गया है। किसी को वृक्ष के डाल पत्ते तोड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत कष्ट होता है। यहाँ तक कि स्त्रियाँ जिस स्थान में बैठकर रसोई के लिए सब्जी काटती है वहाँ भी मैं नहीं रह सकता, देखने से दिल में दर्द होता है। बरामदे के छत पर मेरे कोठे के सामने मंझले दादा ने कुछ फूलों के पौधे गमलों में लगवा रखे हैं। प्रतिदिन शाम सवेरे मैं उन पौधों को अपने हाथ से पानी देता हूँ। नौकरानी पानी देना चाहती है, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता। हम लोगों के पड़ोस के मकान के बरामदे की छत हम लोगों की छत से सटी हुई है। दोनों मकानों की एक ही छत कह सकते हैं। बीच में मामूली सी 1.5 हाथ ऊंची दीवार उठाकर अलग 2 भाग कर दिए गए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर श्रीयुत अधर बाबू इस बगल वाले मकान में रहते हैं। उन्होंने भी अच्छे अच्छे फूलों के पौधे हमारी छत की सीध में लगा रखे हैं। दोनों छतों पर फूलों के पौधों की शोभा देखने से भी बड़ी प्रसन्नता होती है। रात के 3 बजे नाम का जप करते करते एक दिन मुझे नींद आ गई। स्वप्न देखा मैं अपने फूलों के पौधों में पानी दे रहा हूँ। अधर बाबू की छत पर के 3 पौधे अकस्मात हिल उठे और मुझको बुलाकर बड़ी दीनता से कहने लगे, अजी एक बार हमारी तरफ भी देखो, हमारी हालत देखने से क्या तुम्हें कुछ कष्ट नहीं होता? प्यास के मारे हमारी जान निकल जा रही है, तुम्हारे हाथ का थोड़ा सा पानी चाहते हैं, नहीं मिलेगा तो हम ना बचेंगे। सपना देकर मैं जाग उठा, मन बहुत ही बेचैन हो गया। नाम का जप करते करते किसी तरह बहुत सुबह तक का समय बिताया। सवेरे देखा कि वे पौधे खासे लहलहा रहे हैं, सोचा उल्टे सीधे स्वप्न तो अक्सर दिख पड़ते हैं, यह भी वैसा ही जान पड़ता है। जो हो, मन में खटका हो, मैंने अधर बाबू की नौकरानी से पौधों में बहुत पानी देने के लिए कह दिया। वह ऐसा ही करने लगी। दूसरे के मकान की छत पर जाकर अपने हाथ से पानी देने मुझे एक प्रकार का संकोच हुआ। स्वप्न देखने के बाद से मैं प्रतिदिन सवेरे उठकर उन पौधों को देखाता हूँ। आज 4th दिन है। सवेरे उठकर देखा, विचित्र मामला है, एक रात में ही वे 3 लहलहाते हुए पौधे बिल्कुल मुरझा गए हैं। समझ में नहीं आता कि यह कैसी अद्भुत घटना है। पता नहीं किसी पारलौकिक आत्मा ने मेरे हाथ का जल पाने की आशा से उन पौधों का आश्रय तो नहीं लिया था। 3 पौधों की हालत देखकर पछतावे के मारे मेरे जी में जलन हो रही है। मैंने 3 पौधों की जीवनी शक्ति को उद्देश्य करके
तीन चुल्लू पानी ऊपर की ओर छिड़क दिया। इससे मेरे दिल की जलन कुछ कुछ ठंडी हो गई। अगर आप इस सीरीज के वीडियोस देख रहे होंगे तो एक वीडियोस में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने बताया है कि वृंदावन में बहुत ऐसे वृक्ष हैं जो वृक्ष नहीं हैं, साक्षात सिद्ध संत ही हैं, मतलब बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत वृक्ष रूप में वृंदावन में हैं। और बहुत ही रहस्यमय घटना वहां दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा। वृंदावन में सिद्ध संत वृक्ष के रूप में रहते हैं, तो उनके भी कुछ कुछ नियम है। एक छोटी सी घटना मैं बता देता हूँ कि एक ब्रह्मचारी सिद्ध संत थे और एक युवती होती है वो जाके वृक्ष को ना गले लगा लेती है। तो क्या होता है कि जो उस वृक्ष की सेवा कर रहे होते हैं, एक संत ही रहते हैं वो, तो उनको सपने में आता है कि देखो आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं ब्रह्मचारी हूँ और उस युवती ने मुझे गले से लगा लिया, ठीक है, तो अब मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ, और वो शरीर को त्याग देते हैं और वो पेड़ अगले दिन ना पूरा एकदम मर जाता है। तो बहुत ही विचित्र घटना है ये। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप अवश्य सुनिएगा। करीबन मुझे लगता है अब इससे पहले 49 ऑडियोज आ चुके हैं और सारे ऑडियोज बहुत ही अध्यात्म से भरे, अध्यात्म के रहस्यों से भरे हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप उसे अवश्य सुनिएगा। आगे हम लोग सुनेंगे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी का तीसरा स्वप्न। वो क्या था? गंगा सागर संगम की यात्रा, गुरु निष्ठा का उपदेश। तो तब तक के लिए एक और बात बोलना चाहूँगा, वारदी के ब्रह्मचारी जी की जीवनी बहुत जल्द आने वाली है, तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर हमारा दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।